यहाँ से रोज निकल के जाते हैं। बहुत सारी परेशानी होती है रोजाना आए दिन, कभी बुजुर्ग कभी कभी बच्चे सारे गिरते हैं, रोजाना एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, लोगों को बहुत सारी परेशानी। क्या कहना चाहिए कि लोगों को? विभाग मतलब यही है जल्दी जल्दी ठीक कराएं, उसी में मतलब अच्छा है। बच्चों को आए दिन मतलब चोटें लगती हैं, बुजुर्गों को चोटें लगती हैं, लोगों से यही मतलब ये है प्रशासन से कि जल्दी जल्दी ठीक कराएं इसे, जो भी काम। रोज कॉलेज आते हो, यहाँ गड्ढे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी? दिक्कत होती है निकलने में, गड्ढे हैं यहाँ बहुत वैसे, और हमें साइकिल निकालने में बहुत दिक्कत होती है। आप भी यहाँ साइकिल से कॉलेज आए हो बेटा, क्या कितनी प्रॉब्लम होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है, पानी भर जाता है और दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने देखा ये वही बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने और उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित विभागों को आदेश और निर्देश दिए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ आगरा की RBS कॉलेज के पास और आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय जो इंडियन न्यूज की टीम है वो जीरो ग्राउंड पर यहाँ पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर, और दिखाना चाहेंगे ये सड़कों की हालत क्या है। आगरा शहर में तीन तीन विभाग है, PWD हो, AD हो या नगर निगम हो, तीनों विभागों के आला अधिकारी अपनी गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हालात देखिए आप, इन रोडों के सड़कों के यही वो हालात है। बगल में ही RBS कॉलेज है जहां पर बच्चे लगातार रोज स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यहां से निकलते हैं, स्कूटी हो या साइकिल हो, अपने वाहनों से वो कॉलेज पहुंचते हैं। कह सकते हैं कि वो खतरा मोल लेकर स्कूल पहुंचते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, इसके बावजूद भी शहर के आला अधिकारियों को कोई खबर नहीं है, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के, सभी जनपदों के जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश आदेश दिए हैं कि आगरा जो भी जिले की सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त की जाएं, लेकिन अभी यहां तक आगरा शहर की कोई भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं दिखाई दे रही है।